नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी कहानी, ना मिटने वाली भूख। 8 बज रहे थे। दीदी बिछोने पर पड़ी चुपचाप टुकर टुकर देख रही थी छत की ओर। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, इधर उधर लटक रहे थे। एक मोटी किताब नीचे चप्पल के पास औंधे मुंह गिरकर ना जाने कब से पड़ी हुई थी। बुधनी की माँ दबे पांव कमरे के पास आती थी और झाँक कर चुपचाप लौट जाती थी। 8 बजे तक बिछोने पर रोगिनी की तरह चुपचाप पड़े रहना, मौन साधे, दया ने मुद्रा बनाकर टकटकी लगाकर देखते रहना, आधी बातें कुछ ऐसे वातावरण की सृष्टि कर रही थी कि बुधनी की माँ कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। बेचारी हाथ में झाड़ लेकर बार बार लौट जाती थी। अंत में छोटी दीदी मिस फ्लोरा से जाकर वह बोली, दीदी के का भयल है, अबले पड़ल बाड़ी। आखिर बड़ी मुश्किल है बुधनी की माँ, कल से ही उनका यह हाल है, न खाती हैं न पीती हैं और कुछ बोलती भी तो नहीं। पूछने पर कहती हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ज्यादा कुछ पूछने की हिम्मत भी तो नहीं होती। मिस फ्लोरा ने बालों में कंघी चलाते चलाते ही कहा, सुबह से झाड़ देवे ले ठाढ़ई, तनी चली के। बदनी की माँ बात पूरी भी नहीं करने पाई थी कि दीदी की प्रिय छात्रा चंचला किशोरी मदालसा मुंह लटकाए आकर खड़ी हो गई और जिज्ञासु दृष्टि से मिस फ्लोरा और बदनी की माँ को देखने लगी। बुधनी की माँ खिलकर बोली, अहे तो कल्ली, चलता रानी, देख तोहर दीदी के का भइल है। मदालसा चुपचाप दीदी के कमरे में दाखिल हुई। दीदी आप अलग दृष्टि से उसे देखती रही। बदनी की माँ चौखट के पास ही खड़ी रही। दीदी, मदा ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद पुकारा, कैसा जी है दीदी? दीदी ने बिना हिले ही उत्तर दिया। बुधनी की माँ ने पहले बरामदे पर एक दो बार छप छप झाड़ चलाया, फिर डरते डरते कमरे में आकर हल्के हाथों झाड़ देने लगी। मदालसा दीदी के टेबल पर बिखरी हुई किताबों को सजाकर रखने लगी, कैलेंडर में तारीख बदलकर दिन भी बदल डाला। दीदी चुपचाप देख रही थी। क्यों, आज सोमवार हो गया ना, दीदी ने अकचकाकर कहा। मदलसा डरी। एक बार कैलेंडर की ओर देखकर वह बोली, जी नहीं। वह दिन बदल रही थी कि फिर याद कर रुकी और बोली, जी हाँ, आज सोमवार ही है, कल रविवार, आज सोमवार। सोमवार हो गया। दीदी उठकर बैठ गई, बोली, तो बारात वाले चले गए? 4 बजे भोर चल गेलन सब। बुधनी की माँ झाड़ू के तिनकों को सजाती हुई बोली। दीदी डरते डरते बिछोने के पास वाली खिड़की को, जो स्कूल की ओर खुलती थी, खोलने लगी। खिड़की खोलकर उसने देखा, स्कूल खाली पड़ा है। 2 दिनों से बंद खिड़की जो खुली तो कमरे में एक ताजी हवा आकर खेलने लगी। वह अंगड़ाई लेकर उठी, उसके चेहरे की गंभीरता तत्क्षण ही दूर हो गई। मदालसा के होठों पर भी मुस्कान की एक सरल रेखा दौड़ गई। बुधनी की माँ को कुछ हिम्मत हुई, पूछ बैठी, कैसन तबीयत है दीदी? अच्छी हूँ, तू जल्दी से जाकर स्कूल के कमरों को जहर बहार दे, ना हो तो फुलिया को भी बुला लेना। भगेलू से कह दो गाड़ी पर आज सरजू जाएगा, भगेलू क्लासों में बेंच सजा कर रखेगा, जाओ। कहती हुई वह तोलिया और साड़ी लेकर बाथरूम की ओर चली। मदालसा ने टोका, दीदी? क्या है री? दीदी ने रुककर मुस्कुराते हुए पूछा। आप नहीं गई? इंदु बहन रोती थी, कहती थी दीदी से भेंट नहीं हो सकी।
पेंसिल कटर में पेंसिल डालकर घुमाते हुए मदालसा बोली। दीदी ने प्रत्युत्तर में सिर्फ एक लंबी निश्वास छोड़ दी। आप तो उसे उपहार देने के लिए एक चित्र बना रही थी ना? बना तो रही थी पर अधूरा ही रह गया। अच्छा भेज दूंगी। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई मदा, जाने के दिन उससे मिल नहीं पाई। कहती हुई दीदी धीरे धीरे चली गई। मदा वहीं बैठकर दीदी का एल्बम देखने लगी। श्रीमती उषा देवी उपाध्याय उर्फ दीदी जी, शहर के गर्ल्स मिडल इंटर स्कूल की प्रधानाध्यापिका, मझोले कद की दुबली पतली सुंदर विधवा युवती। जिस दिन से स्कूल में प्रधानाध्यापिका होकर आई, स्कूल की उन्नति में चार चांद लग गई। छात्राओं की संख्या चौगुनी हो गई, परीक्षा फल सुंदर होने लगा, स्कूल को हाई स्कूल बनाने की चर्चा होने लगी। उस दुबली पतली मृदा भाषणी दीदी की मीठी चपत जिस बालिका ने एक बार खा ली, वे उसकी चेरी हो गई। बालिकाओं और किशोरी छात्राओं की बात तो दूर, अध्यापिकाएं भी उसके स्नेह की भूखी रहती। बुधनी की माँ उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। सदा प्रसन्न रहने वाली दीदी के होठों पर मुस्कुराहट सदा खेलती रहती। वे कभी कभी सितार बजाकर मीरा की पदावली गा लेती थी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचकर कलापूर्ण चित्र भी बना लेती थी। विधवा थी, ओढ़ने पहनने खाने पीने की चीजों में सादगी के बड़े नियमों को मुस्तैदी से पालती थी। लेकिन अन्य अध्यापिकाएं जो सदवा थी, वे भी उनकी सादगी पर फिदा थी। स्नान भोजन करके दीदी अन्य अध्यापिकाओं के साथ जब स्कूल में दाखिल हुई, तो बुधनी की माँ फुलिया को लेकर कमरों में झाड़ू दे रही थी और बड़बड़ा रही थी। भगेलू चुपचाप बेंचों को उठा उठा कर अंदर कर रहा था। दीदी को देखते ही बुधनी की माँ जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, अच्छी छी छी, एक दिन में सुअर के खुआर बना देलन सब, राम राम। दीदी ने कमरे में जाकर देखा, दीवार पर स्थान स्थान पर पान की पीक पड़ी हुई थी। नीचे फर्श पर सिगरेट के अधजले टुकड़े, सिगरेट के खाली डब्बे और माचिस की जली हुई तीलियां बिखरी हुई थी। दीदी ने किंचित नाक सिकोड़ते हुए कहा, लो जल्दी साफ करो, कहकर वह ऑफिस खोलने चली। वह ऑफिस खोल ही रही थी कि उसकी आंखें दीवार पर लिखे सुंदर अक्षरों पर अटक गई। दूसरी जगह, खिड़कियां तुम्हारी बंद रहीं, पर मैंने तुमको देख लिया। लाल अक्षरों में, रानी अब अध्यापन छोड़ो, मेरे दिल का राज संभालो। नीले पेंसिल से, प्रेम की भाषा सजनी मुझको भी पढ़ा दो। पढ़ते पढ़ते दीदी तिलमिला उठी, ऑफिस खोलकर धम से कुर्सी पर जा बैठी। उसके होठों पर कुछ घंटे पहले जो स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आई, वह विलीन हो गई। वह उठी, फिर बैठ गई, एक कागज पर लिखने लगी, चेयरमैन की सेवा में। फिर ना जाने क्या सोचकर कागज को फाड़कर वह उठ खड़ी हुई। फ्लोरा, फ्लोरा, दीदी ने पुकारा। फ्लोरा और उर्दू अध्यापिका सलमा आई, दीदी की गंभीर मुद्रा को देखकर अवाक खड़ी रही। क्या है दीदी? फ्लोरा ने मौन भंग करते हुए पूछा। दीदी ने बाहर आकर दोनों को दीवार की ओर दिखलाया। दोनों ने पढ़कर घृणा से मुंह विकृत कर लिया। सलमा बोली, यह परातियों का काम है। हाँ, दीदी ने कहा, सभ्य परातियों ने लिखा है। लड़कियां दल बांधकर मुस्कुराते हुए आ रही थी। सरजू भी स्कूल की गाड़ी पर लड़कियों को लेकर आ गया था। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम कहकर मुस्कुराती हुई लड़कियों की टोली जो ही स्कूल की सीढ़ी पर पांव रखने लगी, दीदी की गंभीर वाणी सुनकर सब एक साथ रुक पड़ी। तब तक बाहर मैदान में खड़ी रहो। दीदी तथा अध्यापिकाओं के चेहरे को देखकर लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो देखो, दीदी की आंखें लाल हैं, ऐसा तो कभी नहीं। समझी समझी, मंजू खुश होकर बोली, कोई बड़े आदमी मर गए हैं। फिर वही 5 मिनट चुप। फ्लोरा, रोल कॉल करके छुट्टी दे दो, कहती हुई दीदी पुनः ऑफिस में जा बैठी।
छुट्टी दे दी गई। छात्राओं ने बुदनी की माँ से पूछा। मदालसा ने दरियाफ्त किया पर कुछ भी पता नहीं चला। दीदी अपने कमरे में लौट आई और बिछोने पर लेट गई। उसके अंदर एक आग सी जल रही थी, सिर फटा जा रहा था और रह रहकर प्यास लग रही थी। शनिवार को शहर के प्रतिष्ठित रईस श्री आनंदी प्रसाद जी के यहाँ बारात आई थी। उनकी एकमात्र पुत्री इंदु के शुभ विवाहोपलक्ष में स्थानीय धर्मशाला में बारातियों के ठहरने का प्रबंध किया गया था, किंतु सभ्य असभ्य, साधारण असाधारण और धनी गरीब के वर्गीकरण की ओर प्रबंधकों का ध्यान ही नहीं गया था। सभ्य और सुसंस्कृत बारातियों ने जब जनरल बारातियों के साथ रहना अस्वीकार कर दिया तो चेयरमैन साहब ने अनुमति लेकर गर्ल्स स्कूल में ही ठहरने का प्रबंध कर दिया गया था। सभ्य शिक्षित और सुसंस्कृत बारातियों के लिए स्कूल के कंपाउंड में ही अध्यापिकाओं के क्वार्टर्स थे। रविवार की शाम को अन्य अध्यापिकाएं विवाह गृह के समारोह में सम्मिलित होने चली गई थी। स्कूल की ओर खुलने वाली खिड़की को बंद करके दीदी अपने कमरे में बैठी अधूरे चित्र को पूरा कर रही थी। खिड़की के उस पार स्कूल में सभ्य बारातियों का भोजन पान शेष हो चुका था। पत्तलों और कुत्तों की लड़ाई, भिखारी और भिखारनों की करुण पुकार सुनकर दीदी का ध्यान भंग हुआ। चित्र को अपूर्ण ही छोड़कर वह न जाने क्या सोचने लगी थी। धीरे धीरे कुत्तों का भौंकना बंद हुआ तो भिखमंगों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी थी। लड़ाई जब शांत हुई तो एक छोटे शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी थी। दीदी ने पहचान लिया था अभागिन मृणाल के बच्चे के कोमल कंठ स्वर को। ओ बाबा ऐत झाल, ताई तो बोली छेले अमार कांद छे केन। मृणाल खाते खाते बोल उठी थी। मृणाल के छोटे से शिशु ने झूठन का स्वाद लेना शुरू कर दिया। दीदी को आश्चर्यत हुई थी। दीदी मृणाल को जानती थी, उसे प्यार करती थी, कभी कभी बुलाकर भरपेट भोजन कराती थी और उसके प्यारे बच्चे को गोद में लेकर पुचकारती भी थी। बंगाल के भुक्कड़ की जमात में मृणाल जब इस शहर में आई थी तब उसकी गोदी अथवा देह में यह शिशु नहीं था। रोज शाम को कुछ बासी रोटियां पाकर बदले में मृणाल ने दिया था इस शहर को वही भोला भाला शिशु जो कड़वी तरकारी खाकर रो उठा था। मृणाल बंगाल के एक ग्राम के खुशहाल किसान की पुत्री थी। तो उस शाम को बैठी बैठी दीदी बहुत सी बातें सोच रही थी। कुत्ते, मनुष्य, मृणाल और उसके प्यारे बच्चे के संबंध में ना जाने क्या क्या सोचते सोचते आराम कुर्सी पर थकी सी लेट गई थी। स्कूल के बरामदे पर किसी सरोज नामक व्यक्ति को पुकार कर कहा था, सरोज जी, ओ सरोज जी, जरा इधर आइए। क्या है? सरोज अथवा किसी दूसरे ने पूछा था। देखिए, यहाँ की भिखारिनों की आंखों में भी एक अजीब जादू है, पुकारने वाले व्यक्ति ने दिखलाया था। दीदी की बोहें जरा तन गई थी और कान सतर्क हो गए थे। देखने वाले व्यक्ति ने देखकर कहा था, ओहो, जादू मत कहिए, मद कहिए, मद। अरे आप ठहरे कवि। प्रथम व्यक्ति ने संशोधन को स्वीकार कर लिया था। एक तीसरी आवाज सुनाई पड़ी थी, अच्छा कवि जी, कल्पना कीजिए तो, जहां की सड़कों पर ऐसी परियां मारी फिरती हैं, खिड़कियां बंद कर बैठने वाली मलकाएं कैसी होंगी। इस पर जोरों से कह लगे थे और वह व्यंग्य कह कह के साथ खिड़की की लकड़ियों को छेद कर दीदी के अंतःस्थल में घुस गया था। उसी रात को 3 बजे तक स्कूल के बरामदे में अंगूरी बाई नाचती रही थी। घुंघरू की छमछमाहट, दर्द भरी आवाज और वाह वाह क्या खूब को सुनते सुनते दीदी तकिए में मुंह छिपाकर रोई भी थी। दूसरे दिन भी वह यूं ही बिछोने पर निश्चेष्ट पड़ी रही थी। बिछोने पर से उठते ही उसका सिर चक्कर खाने लगता था। एक ही रात में ना जाने कितनी दुर्बलता आ गई थी। रविवार की शाम को ही
अंगूरी बाई कूक पड़ी थी, अंधियारा है रात सजन। अरे भाई नेकी और पूछ पूछ, साजनों में से एक ने फरमाया था। सेज साजनों ने जबरदस्त कह कह लगाए थे, चुन चुन कलियां सेज बिछाई। मजेदार कह कहो के बवंडर में दीदी ज्ञान शून्य हो गई थी, अंगूरी बाई गाती ही रही थी। सोमवार को रोल कॉल के बाद छुट्टी देकर जब वे लौटी थी तो उसके अंदर आग सी लग रही थी, सिर फटा जा रहा था और उसे रह रहकर प्यास लग रही थी। एक ही दिन में बुखार ने भीषण रूप धारण कर लिया। लेडी डॉक्टर आई, नुस्खा देकर चली गई और दवा होने लगी। मंगलवार को सुबह से ही प्रलाप के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। वह बिछोने पर चंचल हो रही थी और वह रह रहकर कुछ बड़बड़ाती भी थी। कभी कभी चौंक कर पास में बैठी मदा को उठकर पकड़ लेती थी और रो पड़ती थी, मदा मदा छिप जाओ बिट्टी मेरी, वह बीड़ी वाला, कहते कहते वह बेहोश होकर बिछोने पर लुढ़क पड़ती थी। हाँ, एक बीड़ी वाले को अक्सर मिस्ट्रेस क्वार्टर के पास आकर दिल में दर्द पैदा हो जाया करता था और वह इलाही से उस दर्द को ना मिटाने के लिए आरजू करता हुआ चला जाता था। दीदी आंखें खोलकर इधर उधर देखती, मदा, फ्लोरा, सलमा और बुधनी की माँ करुण नेत्रों से बैठी हुई है, नहीं वह खड़ी है। मृणाल उसकी गोदी में नन्ना शिशु है। वह बीड़ी वाला, दीदी दीदी, सलमा पुकारती। दीदी आंखें फाड़े दीवार की ओर देखती ही रहती। मजेदार मजेदार, पीली अंगूरी और वह गूंगी पगली हंस रही है, गूंगी पगली हंस रही है, है गूंगी सी। दीदी भी हंस पड़ी। दीदी, प्राय रोती हुई फ्लोरा ने पुकारा। सलमा ने सिर पर आइस बैग रखा और मदा पंखा झलने लगी। दीदी आंखें बंद किए सोचने लगती, वे पगली गर्भवती है, उस पर भी बलात्कार किए गए। छी छी छी, वॉर, वाइन एंड वीमेन, सुरा, युद्ध और नारी, सत्यानाशनी चीजें हैं। उठ सजनी, खोल की वाड़े। वे फिर चौंक कर उठ बैठती, बड़बड़ा उठती, खोल दो खिड़कियां, खोल दो खिड़कियां। बुधनी की माँ पकड़कर उसे लिटा देती। खिड़कियां तो खुली ही हुई हैं, सलमा कहती। दीदी चुपचाप आंखें मूंदे रहती। भरी सभा में द्रौपदी चीरहरण, उसकी करुण पुकार, उसे नंगी देखने की वासना, ओह। आंखें मूंदे ही अपनी साड़ी के छोर को पकड़ लेती और चिल्ला उठती, दीदी, फ्लोरा। मदा और सलमा तीनों प्राय एक ही साथ पुकार उठती। दीदी घृणा से मुंह विकृत कर लेती। भगेलू लेडी डॉक्टर के यहाँ गया था, लौटकर आया तो चुपचाप खड़ा रहा। बहुत पूछने पर भगेलू ने कहा, डॉक्टर नी साहेब, राजा रघुवीर सिंह के हियाँ जाते थे, हम जाकर बोले तो बोलिन की, वह चुप हो रहा। क्या बोली, फ्लोरा ने डॉक्टर पूछा। बोलिन की जाकर अपनी दीदी को दूसरा विवाह कर दो, सब ठीक हो जाएगा। इधर बिछोने पर पड़ी पड़ी वे दीवार की ओर एक टक से देख रही थी। स्कूल कंपाउंड में वह मृणाल, नंगी अंगूरी और गूंगी पगली खड़ी है। चार दीवारी के चारों ओर शहर भर के लोग सभ्य असभ्य, शिक्षित अशिक्षित और गरीब अमीर अपनी अपनी भाषा में हल्ला मचा रहे हैं। तनी हमरो देखत, आज सूरतिया पतली कमरिया, तेरे दर पे खड़ा है कब से, उठ सजनी खोल की वाड़े, तिरछी नजरिया वाली रे, रे पगलिया, री बच्चे वाली छोरी, घूंघट हटा के चांद सा मुखड़ा। लोगों की भीड़ कर्मशा उत्तेजित हो रही है, सब फाटक पर धक्का दे रहे हैं। अंगूरी बाई आंचल से अपने को ढक लेती है। मृणाल रो पड़ती है।
उसकी गोद का बच्चा छाती में मुंह छिपाकर सिमट गया है। पगली हंस रही है। फाटक टूटने को है। ओह, दीदी चौंक कर उठ बैठी। इस बार उसको देखकर मदा, फ्लोरा वगैरह घबरा गई। दीदी अचानक बिछोने पर से उठकर भागी। दीदी दीदी दीदी, अरे रोको, पकड़ो। सब पीछे पीछे दौड़ी। वे है करके हंसती और भागती जा रही थी। फाटक के पास जाते जाते दीवार से टक्कर खाकर गिर पड़ी। जमीन पर रक्त की धारा बह चली। दीदी अस्पताल में अंतिम घड़ियां गिन रही थी। एवरग्रीन रेस्टोरेंट में चाय पीने वाले नौजवानों को एक नया मसाला मिल गया। चाय की चुस्की लेते हुए एक नौजवान ने कहा, अरुण तुमने कुछ सुना? उसकी हालत बड़ी नाजुक है यार। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कुछ पता चला? भाई आखिर वह भी अपने पहलू में दिल रखती थी, किसी ने छीन कर बेमुरफ्ती से तोड़ डाला होगा। और क्या, सुना है बारात में उसके कोई पुराने प्रेमी आए थे। तब ठीक है, एक कहानी लेखक जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे बोल उठे, मैंने भी ऐसी ही कल्पना की थी। ही करते हुए रेस्टोरों के सामने सड़क पर गूंगी पगली, जो बहुत निकट भविष्य में ही माता बनने वाली थी, खड़ी खड़ी हंस रही थी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाने की मुद्रा बना रही थी। अरे भाग, हर शैतान। वे धरती पर एक विशेष जोर डालती हंसती हुई चली गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।